तो स्टूडेंट्स, आज फ्लूइड मैकेनिक्स के लेक्चर नंबर 22 में आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट 3, जिसमें इररोटेशनल फ्लो कंसीडर किया जाएगा। तो इररोटेशनल फ्लो में क्या होता है, ये हम आपको पहले बता चुके हैं कि ऐसा फ्लो जिसमें रोटेशनल वेलोसिटी जीरो हो, वो रोटेशनल फ्लो कहलाता है। और फ्लूइड वेलोसिटी का कर्ल जो है हमेशा जीरो होगा रोटेशनल फ्लो में। तो फॉर रोटेशनल फ्लो वी हैव दिस कंडीशन। तो इस चैप्टर में हम टू डायमेंशनल इररोटेशनल फ्लो को कंसीडर करेंगे। टू डायमेंशनल इररोटेशनल फ्लो, ऑफ एन इनकंप्रेसिबल फ्लूइड, ऑफ एन इनकंप्रेसिबल फ्लूइड। अगर फ्लूइड इनकंप्रेसिबल है तो इसके लिए कंडीशन आप जानते हैं क्या होती है। फॉर इनकंप्रेसिबल फ्लूइड इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इज डाइवर्जेंस ऑफ क्यू इज जीरो। तो ये देगा हमको, टू डायमेंशनल फ्लो में हम एक्स और वाई कंपोनेंट वेलोसिटी के रखेंगे जो कि यू और वी हैं। तो टू डायमेंशनल फ्लो के लिए जो कि एक्स वाई प्लेन में है, मान लीजिए इस प्लेन में फ्लो हो रहा है, तो किसी भी पॉइंट पर वेलोसिटी के कंपोनेंट एक्स और वाई डायरेक्शन में यू और वी है। तो उसके लिए इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इस फॉर्म में होगी। इसको हम ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखा जा सकता है, दिस इज कंडीशन फॉर एग्जैक्टनेस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट होगी, इसकी ये कंडीशन होगी। यह आपको मालूम है कि अगर मान लीजिए कि ये कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है दो वेरिएबल में, तो ये एग्जैक्ट होगी। इसकी कंडीशन ये होती है, डेरिवेटिव ऑफ एन विद रिस्पेक्ट टू एक्स शुड बी डेरिवेटिव ऑफ एम विद रिस्पेक्ट टू वाई। अगर ऐसा है तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट होगी, यानी कि एक फंक्शन एक्स और वाई का इस तरीके का एग्जिस्ट करेगा कि इसका टोटल डेरिवेटिव ये होगा। तो इसके सीधे सीधे इंटीग्रल से इसका सॉल्यूशन मिल जाता है। तो इसी तरीके से ये कंडीशन बताती है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट होगी, यानी कि एक फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। इट इंप्लाइज
Therefore, there exists a function, मान लीजिए कि ये है psi, such that derivative of this is यहां थोड़ा सा गलत हो गया, v यहां होगा और u यहां होगा, इज दिस, ये इक्वेशन होगी। सो देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन साई सच दैट दिस इज इक्वल टू दिस, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इज दिस, तो v इज इक्वल टू एंड u इज इक्वल टू ये वेलोसिटी और इस फंक्शन के अंदर रिलेशन है। सो वी हैव फॉर टू डायमेंशनल इरोटेशनल motion of an incompressible fluid, there exists a function such that velocity is given by velocity is given by this relation, velocity is given by this relation, अब ये function psi क्या है, इसका फिजिकल मीनिंग क्या है, इसको देखेंगे। तो इसको समझने के लिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। नाउ इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम लाइंस इस given by this relation, हमें मालूम है कि स्ट्रीम लाइन की ये इक्वेशन होती है डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि इसको ऐसे लिख सकते हैं, टू डायमेंशन के केस में ये इक्वेशन होगी स्ट्रीम लाइन की। और जैसा कि हमें पता है कि इस फंक्शन साई और वेलोसिटी में रिलेशन है, तो यहां सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, this gives us this is zero, so this is the equation of a streamline, this is some constant jo bhi hoga, so this is equation of a streamline, to agar ye function psi hame pata hai to streamlines
उस फ्लो की इसको कांस्टेंट रखने पे मिल जाएंगी। इससे एक बात और जाहिर होती है कि फंक्शन फंक्शन साई इज कांस्टेंट अलोंग स्ट्रीम लाइन्स। फंक्शन साई इज कांस्टेंट अलोंग स्ट्रीम लाइन्स। तो स्ट्रीम लाइन के अलोंग ये फंक्शन कांस्टेंट होगा, यानी कि अगर ये फ्लो की स्ट्रीम लाइन्स है तो इनके सभी पॉइंट पर इस फंक्शन की वैल्यू जो कुछ भी होगी वो फिक्स होगी, सेम होगी सभी पॉइंट पर। इस फंक्शन की वैल्यू सेम होगी हर पॉइंट पर। स्ट्रीम लाइन के अलोंग ये फंक्शन कांस्टेंट होगा। लेकिन अलग अलग दूसरे पॉइंट्स पर इसकी वैल्यू वेरी कर सकती है, यानी यहां पे कुछ और मिलेगी, यहां कुछ और मिलेगी, यहां कुछ और मिलेगी, लेकिन एक ही स्ट्रीम लाइन के ऊपर के जो पॉइंट्स होंगे उन पर ये फिक्स वैल्यू देगा। दिस इज कांस्टेंट अलोंग स्ट्रीम लाइन्स एट अ गिवन फिक्स्ड टाइम, किसी निश्चित समय पे ऐसा होगा। समय बदलने पे ये वैल्यू बदल सकती है। आगे देखिए, फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है इस फंक्शन का। अच्छा, एक चीज यहां पे और बता दें कि ये जो फंक्शन है इस कारण से इसको स्ट्रीम फंक्शन कहा जाता है। फंक्शन साई इज कॉल्ड स्ट्रीम फंक्शन। ये वो फंक्शन है जो स्ट्रीम लाइन के अलोंग कांस्टेंट होता है, इस कारण से इसको स्ट्रीम फंक्शन कहा जाता है। और इससे स्ट्रीम लाइन मिल जाएंगी, कैसे, इसको कांस्टेंट रखने पर कोई फिक्स स्ट्रीम लाइन मिल जाएगी। दिस गिव्स अस स्ट्रीम लाइन। तो स्ट्रीम फंक्शन जो है उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, यानी ये फिजिकली क्या रिप्रेजेंट करता है, इसको हम देखेंगे। टू डायमेंशनल प्लेन में हम फ्लो ले रहे हैं, ये मान लीजिए प्लेन है, और ये कोई दो पॉइंट हैं ए और बी, इनको हमने एक स्मूथ कर्व से ज्वाइन कर दिया, और ये कोई पॉइंट है P मान लीजिए। यहां पर x एक्सिस के लॉन्ग वेलोसिटी फ्लो की u है और y एक्सिस के लॉन्ग वेलोसिटी फ्लो की v है। ये कर्व जो है ऐसे ले लीजिए, मान लीजिए ये है a b कर्व, ये है, ये टेंजेंट मान लीजिए है इस पी पर, ये टेंजेंट है, दिस इज टेंजेंट।
और ये टेंजेंट मान लीजिए एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बनाती है। अगर ये थीटा है तो ऑब्वियसली ये एंगल भी थीटा होगा, ये 90 माइनस थीटा होगा, दिस इज थीटा, दिस इज थीटा, दिस इज 90 माइनस थीटा। और ये टेंजेंट है अगर, तो ये मान लीजिए नॉर्मल है, दिस इज नॉर्मल। तो ये थीटा होगा, ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा है, और ये दो टेंजेंट और नॉर्मल है, इनके बीच 90 डिग्री बनेगा, तो ये थीटा होगा। तो नॉर्मल की डायरेक्शन में वेलोसिटी के कंपोनेंट्स लीजिए, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटीज यू एंड वी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल। तो इसका कंपोनेंट तो सिंपली वी कॉस थीटा हो जाएगा, और इसका कंपोनेंट इसकी डायरेक्शन में क्या होगा, यू कॉस 90 प्लस थीटा, यानी कि यू माइनस यू साइन थीटा। v का कंपोनेंट होगा v cos थीटा, और u का कंपोनेंट होगा माइनस यू साइन थीटा। तो एक कर्व हमने लिया दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाला, a और b दो पॉइंट है उनको ज्वाइन करने वाला, हमने कोई भी कर्व लिया, कर्व के ऊपर किसी पॉइंट पर वेलोसिटी u और v है, कर्व के नॉर्मल डायरेक्शन में वेलोसिटी के कंपोनेंट ये हैं, v cos थीटा और माइनस u sin थीटा। तो देखिए नॉर्मल फ्लक्स, नॉर्मल फ्लक्स फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट मतलब राइट साइड से लेफ्ट साइड, राइट साइड से लेफ्ट साइड, कर्व के राइट साइड से लेफ्ट साइड, राइट से लेफ्ट की तरफ, हम इधर से इधर भी ले सकते हैं, लेफ्ट टू राइट भी ले सकते हैं, तो एक डायरेक्शन तो पकड़नी पड़ेगी। तो कन्वेंशन हमारा यह है कि हमने राइट से लेफ्ट लिया है, नॉर्मल फ्लक्स फ्रॉम राइट टू लेफ्ट थ्रू थ्रू द कर्व बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, ए और बी के बीच कर्व का जो पार्ट है उसके थ्रू राइट से लेफ्ट की तरफ एक सेकंड में जितना फ्लूइड वॉल्यूम फ्लो करता है उसको देख रहे हैं। तो कितना होगा, पी पर जो नॉर्मल वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में वह है यू माइनस यू साइन थीटा प्लस वी कॉस थीटा। इस पॉइंट पे हमने लिया है, यहां पे आर्क लेंथ ले लीजिए, स्मॉल आर्क लेंथ ये हमने मान लीजिए डीएस ले लिया, इससे जितना फ्लूइड एक सेकंड में इधर से इधर जाएगा वो देख रहे हैं, वेलोसिटी ये मिल गई है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, और जो हाइट है वो यूनिट वन रख लीजिए। जब हम टू डायमेंशनल फ्लो लेंगे तो प्लेन में जब फ्लो होगा तो उसका जब भी वॉल्यूम कंसीडर करना होगा तो प्लेन में तो वॉल्यूम मिलेगा नहीं, तो हमेशा ही जो फ्लूड जो फ्लो कर रहा है उसकी जो हाइट है उसको हम वन ले लेंगे, यूनिट आप ले लीजिए। मान लीजिए इस प्लेन में फ्लो कर रहा है
तो हाइट उसकी हमेशा ही 1 ले लीजिए। अब 1 सेंटीमीटर लीजिए या मीटर लीजिए या फिट लीजिए, जो भी यूनिट सिस्टम यूज़ कर रहे हैं उस सिस्टम में आप उसको यूनिट ले लीजिए। तो हाइट को यूनिट आप हमेशा समझिए, बताया जाए या ना बताया जाए। तो एक सेकंड में जितना फ्लूइड वॉल्यूम पास होगा वो कितना होगा, ये डिस्टेंस तो ये हो गई आर्क लेंथ और हाइट 1 है, तो एरिया जो होगा वो होगा ds इंटू 1, और इससे जो फ्लूइड वॉल्यूम इधर पास होगा इस एरिया को मल्टीप्लाई करेंगे वेलोसिटी से, तो वो ये है। तो ds इंटू 1 इसमें ऑलरेडी है और ये वेलोसिटी हो गई। तो इस इतने सेक्शन से जितना फ्लूइड वॉल्यूम एक सेकंड में पास होगा वो ये है, और ए से बी के बीच में जो कर्व है उस पूरे कर्व से कितना पास होगा वो होगा इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी। तो ये देगा वो फ्लूइड वॉल्यूम जो एक सेकंड में ए और बी के बीच जो कर्व है उससे राइट से लेफ्ट की तरफ जो वॉल्यूम पास होता है उसको ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये देखिए, अभी हमने देखा था कि वेलोसिटी जो है हम बता सकते हैं इस तरीके से। तो ये वेलोसिटी हम इसमें यूज करते हैं, वेलोसिटी के लिए जो एक्सप्रेशन है यू होता है माइनस डेल साई बाई डेल वाई, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और वी होता है डेल साई बाई डेल एक्स। तो कैलकुलस से आपको मालूम है कि ये कितना होगा, ये अगर थीटा एंगल है तो टेन थीटा इज डी वाई बाई डी एक्स, साइन थीटा इज डी वाई बाई डी एस, एस इज आर्क लेंथ, एंड कॉस थीटा इज डी एक्स बाई डी एस। तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एस, कॉस थीटा इज डी एक्स बाई डी एस, सो दिस इज एस, यहां बाहर कैंसिल हो जाएगा और ये हो गया टोटल डेरिवेटिव ऑफ दिस, और इसका इंटीग्रल करेंगे तो वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन एट बी माइनस वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन एट ए। तो हमने क्या लिया था कि एक कर्व जो कि दो पॉइंट को ज्वाइन करता है ए और बी को, तो ए पर फंक्शन की वैल्यू, स्टीम फंक्शन की वैल्यू, और बी पर स्टीम फंक्शन की वैल्यू, इनका जो डिफरेंस है ये क्या देता है, दिस इज द नॉर्मल फ्लक्स फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, यानी ये देता है रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। थ्रू एनी कर्व ज्वाइनिंग पॉइंट ए एंड बी, ए और बी को ज्वाइन करने वाला कोई भी कर्व ले लीजिए, जरूरी नहीं यही कर्व हो, ये कर्व ले लीजिए, ये कर्व ले लीजिए, कोई भी कर्व ले लीजिए, इस कर्व से ए से
राइट से लेफ्ट की तरफ एक सेकंड में जितना फ्लूइड वॉल्यूम पास होगा वो कैसे मिल सकता है? वो मिल जाएगा अगर बी पर स्टीम फंक्शन की वैल्यू और ए पर स्टीम फंक्शन की वैल्यू का डिफरेंस ले लें। तो किसी पॉइंट, कोई फिक्स पॉइंट अगर हम ए को फिक्स कर दें और इसके सापेक्ष या इसके रिस्पेक्ट में किसी दूसरे पॉइंट पर स्टीम फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करें, तो किसी पॉइंट पर स्टीम फंक्शन की वैल्यू क्या देती है? किसी फिक्स पॉइंट, जो भी हमारा स्टैंडर्ड पॉइंट है, ए मान लीजिए है, उस पॉइंट और जिस पॉइंट पर भी आप वैल्यू निकाल रहे हैं उसको ज्वाइन करने वाले किसी भी कर्व से जो फ्लूइड वॉल्यूम एक सेकंड में पास होगा ये उसकी वैल्यू देगा। अब ये ऑब्वियस है, अगर इधर से इधर फ्लूइड पास हो रहा है तो एक सेकंड में जितना यहां से निकलेगा इस कर्व से उतना यहां से निकल जाएगा, अगर यहां कोई सोर्स और सिंक नहीं है। इसी तरीके से यहां कोई सोर्स और सिंक नहीं है, यानी फ्लूइड ना जनरेट हो रहा है इस रीजन में ना डिस्ट्रॉय हो रहा है, तो उतना यहां से भी निकल जाएगा। तो कर्व चाहे कोई भी हो, ए और बी को ज्वाइन करने वाला कोई भी कर्व लेंगे, तो जो फ्लूइड वॉल्यूम फ्लो कर रहा है उसकी वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक्चुअली ये एंड पॉइंट्स यानी ए और बी की वैल्यू पर ही डिपेंड करेगा और कर्व कौन सा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो किसी टू डायमेंशनल फ्लो फील्ड में अगर आपने कोई पॉइंट लिया, कोई दो पॉइंट लिया मान लीजिए ए और बी, तो इन पर जो स्टीम फंक्शन की वैल्यू का डिफरेंस है वो क्या देगा? इनको ज्वाइन करने वाले किसी कर्व्स के थ्रू एक सेकंड में जितना फ्लूइड वॉल्यूम राइट से लेफ्ट की तरफ पास करता है उस वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है। ये क्या कर रिप्रेजेंट करता है? एक सेकंड में फ्लो होने वाले फ्लूइड वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है। कहां से? इन दोनों कर्व पॉइंट को ज्वाइन करने वाले किसी भी कर्व से। अगर हम पॉइंट ए को स्टैंडर्ड पॉइंट या फिक्स पॉइंट ले लें तो कोई भी पॉइंट पर जो इसकी वैल्यू होगी स्टीम फंक्शन की, मान लीजिए सी है, तो ये क्या बताएगी कि इस पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन करने वाले कर्व से एक सेकंड में जितना फ्लूइड वॉल्यूम पास होगा। तो स्टीम फंक्शन किसी पॉइंट पर उस फ्लूइड वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है जो किसी स्टैंडर्ड पॉइंट से उस पॉइंट को ज्वाइन करने वाले कर्व से पास होता है। ये फिजिकल सिग्निफिकेंस हुआ स्टीम फंक्शन का। स्टीम फंक्शन रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो को रिप्रेजेंट करता है, इस बात को ध्यान रखना है। अब इसको हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे। देखिए, अभी हमने देखा कि कोई कर्व है तो उस कर्व पर मान लीजिए ये टेंजेंट है और ये नॉर्मल है, तो नॉर्मल की डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगी, मान लीजिए वी एन है, नॉर्मल के डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगी दैट वेलोसिटी इनटू सपोज ए स्मॉल सेक्शन ऑफ कर्व डेल्टा एस, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? एक सेकंड में जितना फ्लूइड वॉल्यूम पास हो रहा है नॉर्मल की डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है वो उसको रिप्रेजेंट करता है। ये किसके बराबर होता है? अभी हमने देखा कि मान लीजिए यहां पे स्टीम फंक्शन की वैल्यू साई है और इस पॉइंट पर स्टीम फंक्शन की वैल्यू साई प्लस डेल्टा साई है, तो इन दोनों पर जो वैल्यू का डिफरेंस होगा डेल्टा साई, ये फ्लूइड वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करेगा जो एक सेकंड में राइट से लेफ्ट की तरफ पास होता है, और वो कितना है? नॉर्मल वेलोसिटी इनटू एरिया। तो नॉर्मल वेलोसिटी हो गई डेल्टा साई बाय डेल्टा एस। लिमिटिंग केस में अगर किसी फिक्स पॉइंट पे लेंगे तो डेल्टा एस को जीरो टेंड करेंगे, तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर जो नॉर्मल वेलोसिटी है वो होगी डी साई बाय डी एस। ये भी आपको ध्यान रखना है कि अगर ये s का फंक्शन ले, इंट्रिंसिक इक्वेशन अगर इसकी ले, तो इसका जो डेरिवेटिव होगा ये किसी पॉइंट पर नॉर्मल वेलोसिटी देगा,
नॉर्मल वेलोसिटी को देगा। इससे हमको कुछ रिजल्ट्स मिलने जा रहे हैं, देखिए इसको ध्यान रखिए और रिजल्ट्स देखिए। एक तो हमने अभी देख ही लिया है कि अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम हम लेते हैं तो उसमें किसी पॉइंट पर एक्स और वाई के डायरेक्शन में जो वेलोसिटी कंपोनेंट्स है उसमें स्टीम फंक्शन में क्या रिलेशन है, यू इज माइनस डेल साई बाय डेल वाई, वी इज डेल साई बाय डेल एक्स, ये हम देख चुके हैं। इस रिलेशन से इसको कैसे प्राप्त किया जा सकता है ये भी हम देख ले रहे हैं। ये मान लीजिए वाई एक्सिस है, इससे नॉर्मल के डायरेक्शन में जो डायरेक्शन होगी वो एक्स एक्सिस होगी, तो यू जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है इसके वाई एक्सिस के नॉर्मल वेलोसिटी राइट से लेफ्ट इस साइड में लेते हैं ये, और ये कर्व जो है वाई एक्सिस के लॉन्ग है, कोई लाइन मान लीजिए कर्व है, और ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा डेल्टा वाई, ठीक है डेल्टा वाई। और ये रिलेशन बताता है कि ये जो वेलोसिटी है नॉर्मल की डायरेक्शन में ये माइनस एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, एक्स एक्सिस इधर होगा, तो इसको लिखते हैं माइनस यू, इस डायरेक्शन में जो होगी वो यू हो जाएगी। दिस इज इक्वल टू, इस रिलेशन से देखिए डेल्टा साई बाय डेल्टा वाई, इट मींस माइनस यू इज लिमिटिंग केस में क्या होगा डेल साई बाय डेल वाई, या ये यही रिजल्ट है। इसी तरीके से ये एक्स एक्सिस है और इसके नॉर्मल लेना है राइट से लेफ्ट, राइट से लेफ्ट, तो ये तो हुआ वाई एक्सिस के लॉन्ग ही वी, तो वी कैसे मिलेगा डेल्टा साई बाय डेल्टा दिस आर्क लेंथ, ये हो गया डेल्टा एक्स, लिमिटिंग केस में क्या होगा दिस, ठीक है ये रिजल्ट है। तो इसको ऐसे भी हम देख सकते हैं, लेकिन जो हम देखना चाहते हैं वो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए जो हमें इम्पोर्टेंट है। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप जानते हैं कि ये कर्व है कोई, एक इनिशियल लाइन होती है, एक पोल होता है, ये एंगल थीटा है, ये मान लीजिए लेंथ आर है रेडियल डायरेक्शन में, और ये कोई पॉइंट है, यहां पर रेडियल और ट्रांसवर्स डायरेक्शन में वेलोसिटी हमको देखनी है, तो ये आर्क लेंथ जो हमने लिया है वो रेडियल डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है, तो इस डायरेक्शन में अगर वेलोसिटी लें, ये लेफ्ट टू राइट हुआ तो माइनस का डिफरेंस आएगा जिसे हम देख लेंगे। रिलेशन ये कहता है कि नॉर्मल वेलोसिटी ये रेडियल डायरेक्शन है ना, तो ये रेडियल डायरेक्शन में वेलोसिटी वी आर कह देते हैं इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय आर्क लेंथ, ये आर्क लेंथ है, ये अगर ये थीटा है आर है तो ये स्मॉल आर्क लेंथ कितना होगा आर डेल्टा थीटा, आर डेल्टा थीटा,
तो लिमिटिंग केस में रेडियल वेलोसिटी क्या हुई, 1 बाई आर डी साई बाई डी थीटा, और क्योंकि ये दो वेरिएबल का फंक्शन है इसलिए ये ऐसे ये हो गया। इसी तरीके से अगर हम ट्रांसवर्स डायरेक्शन में वेलोसिटी देखते हैं यानी रेडियल के परपेंडिकुलर, तो इस डायरेक्शन में देखना है तो हम ये आर्क लेंथ लेंगे। अच्छा, यहां पे जैसा हमने बताया था रेडियल डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट हुआ तो यहां पे माइनस का डिफरेंस आ जाएगा। यहां पर ठीक है राइट टू लेफ्ट है तो ये अगर हम देखें ट्रांसफर डायरेक्शन में अगर वेलोसिटी को हम वी थीटा कहें तो वी थीटा क्या होगी बाई आर्क लेंथ। आर्क लेंथ क्या है, ये आर है तो ये स्मॉल आर डेल्टा आर हो जाएगा। लिमिटिंग केस में ये होगा। तो पोलर कोऑर्डिनेट्स में जो स्ट्रीम फंक्शन है और जो वेलोसिटी है रेडियल और ट्रांसफर डायरेक्शन उसमें ये रिलेशन है। तो ये ध्यान रखिएगा कि रेडियल वेलोसिटी और स्ट्रीम फंक्शन में ये रिलेशन है, ये ध्यान रखने का। और कार्टेशियन में आप जानते ही हैं ये होता है। तो स्ट्रीम फंक्शन और वेलोसिटी में ये रिलेशन है। अब इसमें जो चीज जो आपको बताने की है वो ये है अभी हमने इसमें कहीं ये यूज नहीं किया कि फ्लो इरोटेशनल है। इरोटेशनल नहीं भी होगा तो भी ये सारे रिजल्ट्स होल्ड करेंगे। यानी स्टीम फंक्शन एग्जिस्ट करेगा इसके लिए रोटेशनल फ्लो होना जरूरी नहीं है। टू डायमेंशनल फ्लो है, इनकम्प्रेसिबल फ्लूड है, इतना काफी है। अब साथ में अगर फ्लो इरोटेशनल भी हो तो हम जानते हैं कि वेलोसिटी पोटेंशियल भी एग्जिस्ट करेगा। इफ फ्लो इज इरोटेशनल, देन देयर एग्जिस्ट वेलोसिटी पोटेंशियल सच दैट वेलोसिटी और वेलोसिटी पोटेंशियल में ये रिलेशन होगा। हमें मालूम है कि अगर फ्लो इरोटेशनल हो तो उसका मतलब यह है कि कर्ल ऑफ क्यू इज जीरो, और जब भी किसी वेक्टर का कर्ल जीरो होगा तो वो वेक्टर हमेशा ही एक स्केलर फंक्शन के ग्रेडियंट में लिखा जा सकता है। और यहां पर हमने ये स्केलर फंक्शन फाई लिया है जिसे वेलोसिटी पोटेंशियल कहा जाता है। तो अगर फ्लो इरोटेशनल है तो साथ में वेलोसिटी पोटेंशियल भी एग्जिस्ट करेगा, और फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल है तो स्टीम फंक्शन मिलेगा, ये आपको मालूम है। वेलोसिटी पोटेंशियल के लिए टू डायमेंशनल फ्लो के लिए ये रिलेशन है। यानी कि एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो वेलोसिटी है वो ये, और वाई एक्सिस के लॉन्ग जो वेलोसिटी है वो ये हम पहले भी देख चुके हैं, ये रिलेशन है। वेलोसिटी पोटेंशियल और वेलोसिटी के बीच में ये रिलेशन है।
हमें मालूम है आल्सो स्टीम फंक्शन और वेलोसिटी के बीच में क्या रिलेशन है, ये रिलेशन है। तो यहां से देखिए u को सेम करिए बाय इक्वेशन वन एंड टू, वी हैव दिस रिलेशन। ये होगा आल्सो वी को सेम करिए तो आपको मिलेगा, देखिए वी को सेम करने से मिलेगा ये मिलेगा, ये दो रिलेशन मिलेंगे। और इन दो रिलेशन से हमें क्या मिलेगा, इसको विद रिस्पेक्ट टू अगर हम x डिफरेंशिएट करें, इसको विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करें पार्शियली और दोनों को जोड़ दें, डिफरेंशिएट इक्वेशन थ्री विद रिस्पेक्ट टू x एंड इक्वेशन फोर विद रिस्पेक्ट टू वाई, देन एड, तो क्या मिलेगा, ये जीरो हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे, ये विद रिस्पेक्ट टू एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई, और एक प्लस एक माइनस है, जीरो हो जाएगा। इसमें जो इंटरचेंज ऑफ ऑर्डर को मान के चलेंगे कि ये सेम होगा, यानी कि पहले विद रिस्पेक्ट टू वाई फिर विद रिस्पेक्ट टू एक्स, या इसका ऑर्डर बदल दें उससे वैल्यू पे फर्क ना पड़े, ये मान के चलेंगे। तो फंक्शन इसी तरीके हैं, ये कंटिन्यूअस फंक्शन में ऐसा होता है, तो ये सब कंटिन्यूअस फंक्शन है। फ्लो जो होगा उसमें कोई पॉइंट ऐसा नहीं होगा कि वहां वेलोसिटी एग्जिस्ट ना करे, इस तरीके का कोई केस हो तो कंटिन्यूअस स्ट्रीम लाइन्स होंगी तो वो फ्लो में कंटिन्यूटी बनी ही रहेगी। तो फ्लो इसी तरीके का है, तो ये फंक्शन सब कंटिन्यूअस होंगे, तो ऐसी स्थिति में ये इक्वेशन मिलेगा, एंड दिस इज द लाप्लास इक्वेशन फॉर टू वेरिएबल्स। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लाप्लास इक्वेशन फॉर टू वेरिएबल्स। तो जो वेलोसिटी पोटेंशियल है वो लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ये हम यहां से देखते हैं। इसी तरीके से अगर हम इसको विद रिस्पेक्ट टू वाई और फिर इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करें और जोड़ें तो ये कैंसिल हो जाएगा और आपको मिलेगा आल्सो वी कैन गेट by equation 3 and 4 स्टीम फंक्शन जो है वो भी लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो एक चीज तो ये जानने को मिली कि स्टीम फंक्शन और वेलोसिटी पोटेंशियल लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। स्टीम लाइन क्या है, हमने बताया था स्टीम लाइन वो कर्व है जिसके अलोंग स्टीम फंक्शन कांस्टेंट हो, अभी देखा था। इसी तरीके से वेलोसिटी पोटेंशियल जिस कर्व के अलोंग कांस्टेंट होगा वो पोटेंशियल लाइन कहलाएगी। तो पोटेंशियल लाइंस
आर कर्व्स अलोंग विच वेलोसिटी पोटेंशियल इज कॉन्स्टेंट एंड स्ट्रीम लाइन्स आर द कर्व्स अलोंग विच स्ट्रीम फंक्शन इज कॉन्स्टेंट स्ट्रीम फंक्शन इज कॉन्स्टेंट यानी कि ये कॉन्स्टेंट होगा। तो किसी फ्लो फील्ड में स्ट्रीम लाइन मिलेगी और पोटेंशियल लाइन मिलेगी। स्ट्रीम लाइन और पोटेंशियल लाइन में एक रिलेशन है। स्ट्रीम लाइन कहने को लाइन ही, ये कर्व्स हैं। इसी तरीके से पोटेंशियल लाइंस भी कर्व्स हैं। तो पोटेंशियल कर्व्स और स्ट्रीम कर्व्स ये एक दूसरे के ऑर्थोगोनल होते हैं, यानी हर पॉइंट पर ये एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करेंगे। यानी अगर ये स्ट्रीम लाइन है और ये पोटेंशियल लाइन है, ये पोटेंशियल लाइन है मान लीजिए, तो इनके बीच जो एंगल है वो 90 डिग्री बनेगा। इसको हम देख लेते हैं अभी। लेट दिस इज पोटेंशियल लाइन, माना यह पोटेंशियल लाइन है। तो इसको अगर डिफ्रेंशिएट करें तो यह मिलेगा, यानी ये होगा, ये एक इक्वेशन हो गई। इसी तरीके से लेट दिस इज स्ट्रीमलाइन, तो इसके लिए क्या मिलेगा डेरिवेटिव, ऐसे ही ये मिलेगा। तो ये पोटेंशियल लाइन का स्लोप है और ये स्ट्रीम लाइन का स्लोप है, दोनों का प्रोडक्ट देखिए। इसको हम कर लेते हैं, पोटेंशियल लाइन के लिए है इसलिए हम ऐसे कर लेते हैं, और स्ट्रीम लाइन के लिए इसलिए ऐसे डिनोट कर लेते हैं। दिस इंटू दिस, तो ये आपको मिल रहा है दिस इंटू दिस, ये मिल जाएगा। और ये आप जानते हैं, ये होता है, ये वेलोसिटी ये होती है, और यहां पर ये वेलोसिटी u इज माइनस टाइम्स v, और ये माइनस u, ये होता है। तो इस तरह से आप देखेंगे दिस इज माइनस वन, तो इनका प्रोडक्ट माइनस वन है, यानी कि स्ट्रीम लाइंस एंड पोटेंशियल लाइंस आर ऑर्थोगोनल। इट इंप्लाइज स्ट्रीम लाइंस एंड पोटेंशियल लाइंस
और ऑर्थोगोनल। तो इस तरीके से हमने ये देखा इस चैप्टर में कि अगर टू डायमेंशनल फ्लो हमने लिया है किसी इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड का, टू डायमेंशनल फ्लो है, फ्लो इरोटेशनल है, फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल है, इतनी बातें हैं, तो वहां पर एक स्टीम फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, वेलोसिटी पोटेंशियल एग्जिस्ट करेगा, वेलोसिटी पोटेंशियल और वेलोसिटी के बीच में रिलेशन क्या होगा, स्टीम फंक्शन और वेलोसिटी के बीच में रिलेशन क्या होगा, ये हमने देखा, और दोनों वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं इसलिए आपस में रिलेशन होगा, वो भी हमने देखा, आपस में रिलेशन क्या होगा वो हमने यहाँ देखा था कि ये एक दूसरे से इस तरीके से इक्वेशन से जुड़े होंगे। स्ट्रीम लाइंस और पोटेंशियल लाइंस ऑर्थोगोनल होंगी, ये हमने देखा, और स्ट्रीम फंक्शन फ्लो फील्ड में क्या रिप्रेजेंट करता है ये हमने देखा। अब इस चैप्टर को हम और आगे बढ़ाएंगे और कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल देखेंगे अगले लेक्चर में। थैंक यू।